नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। महाराष्ट्र में नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग तेज, फडणवीस बोले पहली बार जेल गए मंत्री का नहीं लिया गया इस्तीफा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि उसके मंत्री नवाब मलिक को 3 मार्च से शुरू हो रहे महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में 27% ओबीसी आरक्षण से मना कर दिया है। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग से कहा कि वह महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कोई कदम ना उठाए। यूक्रेन को लेकर राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी का पलटवार, कहा 1971 के युद्ध में छुट्टी पर चले गए थे राजीव गांधी। यूक्रेन के छात्रों की वीडियो अपील शेयर करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चिंता व्यक्त कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी पर विवादित बयान को लेकर विधानसभा में हंगामा, राज्यपाल ने अधूरा छोड़ा अपना अभिभाषण। राज्यपाल ने सेंट्रल हॉल में अपने भाषण की शुरुआत की और तब हॉल में बीजेपी की तरफ से नवाब मलिक के खिलाफ नारेबाजी की और इसके इस्तीफे की मांग की गई और इस नारेबाजी के बीच राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर पाए और विधान भवन से निकल गए। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने रॉकेट से हटाया यूएस और ब्रिटेन के झंडों का निशान, कहा सुंदर दिखाई देगा हमारा रॉकेट। रूस को वैश्विक रूप से अलग थलग करने के लिए तमाम देश उस पर कोई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे वह कई मोर्चा पर दुनिया से अचानक कट गया। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस ग्रुप के गठन को दी मंजूरी, आतंकवाद से लड़ने में मिलेगी मदद। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं ने गृह मंत्री से विलेज डिफेंस कमेटी के पुनर्गठन की मांग की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने बुधवार को जम्मू और कश्मीर में विलेज डिफेंस ग्रुप के गठन का आदेश दिया था। फूट फूट कर रो रहे रूस के सैनिक, बिना बताए पुतिन ने जंग की आग में झोंका। यूक्रेन के लोगों को नहीं चाहते मारना, यूक्रेन जंग में रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है और उसने रूस के हजारों सैनिकों को मारने और पकड़ने का दावा भी किया है। रूसी सैनिकों के रोते हुए कुछ वीडियो भी सामने आए। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में अब मिलेगी 4G की सुविधा, पर्यटक चारधाम यात्रा में कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल। उत्तराखंड के सीमांत गांवों के लिए अच्छी खबर आ रही है। राज्य के जिन गांवों में अभी तक 4G की सुविधा नहीं है, वहां BSNL इस साल के अंत तक ये सुविधा देगा। अगली खबर तमिलनाडु से, भाजपा नेता के सामने छात्रा ने लगाए बीजेपी विरोधी नारे, पुलिस ने किया अरेस्ट, अब मिलेंगे 2 लाख रुपए। तमिलनाडु के राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में छात्र सोफिया की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की है। उसने कहा कि जिन पुलिसकर्मी ने उसे गिरफ्तार किया था उनसे राशि वसूल कर छात्रों को यह मुआवजा राशि दी जाए। पूर्वी रोमानिया में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, 8 सैनिकों की मौत, बचाव अभियान जारी। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने फेसबुक पर पोस्ट किए एक बयान में कहा कि बुधवार को IAR-330 प्यूमा हेलीकॉप्टर से हुई एक हवाई दुर्घटना में 8 सैनिकों की जान चली गई। देश के गरीब लोगों के लिए काम कर रही है हमारी सरकार, जौनपुर में पीएम मोदी ने कहा कि हमने कोरोना के दौरान गरीब लोगों को मुफ्त राशन प्रदान किया, मुफ्त में टीका लगाया, हमारी सरकार देश के गरीब लोगों के लिए काम कर रही है। सपा की सरकार बनेगी तो फौज पुलिस में भर्ती निकालेंगे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी में कहा कि सपा की सरकार बनेगी तो फौज पुलिस में भर्ती निकालेंगे, 11 लाख खाली पड़े सरकारी पदों को भरा जाएगा, शिक्षा मित्र, पुरानी भर्ती, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, सभी को समाजवादी पार्टी से उम्मीद है, हमारी सरकार आने के बाद हम इनके पक्ष में फैसला लेकर काम करेंगे। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के सामने फिर भरी हुंकार, कहा जो सीमा में घुसेगा उसको करेंगे तगड़ा विरोध। आपको बता दें 8 दिनों से जारी भीषण युद्ध के बीच रूस यूक्रेन आज दूसरे दौर की बातचीत कर सकते हैं और रूस का प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए बेलारूस पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंच गया है। बिहारी DNA पर बवाल जारी, सुशील कुमार मोदी ने लालू राबड़ी को पार्टी के राजकुमार को किया याद। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का DNA बिहारी है, इसी को लेकर सुशील कुमार मोदी ने RJD पर हमला बोला। UNSC में मतदान से दूर रहने के सरकार के रुख का कांग्रेस ने किया समर्थन, राहुल गांधी बोले छात्रों को लेकर हमने देर की। विदेश मंत्री SJ शंकर ने नागरिकों को बाहर निकालने और वर्तमान स्थिति पर बैठक में प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतदान से दूर रहने के सरकार के रुख का समर्थन किया। वाराणसी में बोले अखिलेश यादव पूर्वांचल इस बार भाजपा को साफ कर देगा। वाराणसी पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे भरोसा है कि पूर्वांचल इस बार भाजपा को साफ कर देगा। मैं पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि जब सपा सरकार बनेगी तब पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास कराने का काम किया जाएगा।
अखिलेश की जनसभा में ममता बोली, यूपी में खेला होबे सरकार की जीत और भाजपा का खदेड़ा होबे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के सातवें और आखिरी चरण के मतदान के लिए भी प्रचार अभियान अपने चरम पर है। वाराणसी में गुरुवार को जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित कर भाजपा पर हमला बोला। बलिया में पड़ रहे फर्जी वोट, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बलिया जिले की बांसडीहा विधानसभा 362 के बूथ संख्या 132 पर फर्जी वोट डलवाए जा रहे हैं, जबकि कई जिलों में ईवीएम खराब है। दिल्ली में ट्रेन से आप लीजिए, में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़।